नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम यादें में। और आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं डॉक्टर अनिरुद्ध चंदोरकर, जो कि एक एडल्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि दिल के डॉक्टर। और इनको ये भी पता है कि हमारे दिल की तंदुरुस्ती के लिए संगीत बहुत जरूरी है, तो वो हमारे साथ बैठकर प्रस्तुत करते हैं कुछ मीठी मीठी यादें फिल्मी गानों की। वो फिल्मी गाने जो किसी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग पर आधारित हैं, वो हमें राग के बारे में भी बताते हैं और साथ में उस राग पर आधारित फिल्मी गाने भी सुनवाते हैं। तो हर बार की तरह इस बार भी वो तैयार हैं एक नए राग के साथ, नए गानों के साथ। तो डॉक्टर साहब नमस्कार, आज आप हमें क्या सुनवाएंगे? किरण जी, सबसे पहले मैं आपको और आपके सारे सुनने वालों को मेरी ओर से दीपावली के पावन त्योहार पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कल महाराष्ट्र में वसु बारस के रूप में हमने दिवाली की शुरुआत करी। आज धन त्रयोदशी और धन्वंतरी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आज बात करेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक प्रमुख राग के बारे में, राग है काफी। पंडित भातखंडे जी ने जो रागों के थाट के बारे में बताया उसमें यह राग है थाट काफी राग। संपूर्ण संपूर्ण राग है, रात्रि के दूसरे प्रहर का राग है। गंधार और निषाद इसमें कोमल है, वादी पंचम है और संवादी षड्ज है। श्रृंगार रस के लिए बहुत ही सुमधुर राग है, जो वस्तुतः लोक संगीत से आया है। इसीलिए इस राग में आपको ठुमरी, होरी, टप्पा, दादरा, कीर्तन और भजन गाए बजाए सुनाई देंगे। सुनते हैं सबसे पहले पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के देवदत्त बांसुरी से राग काफी का आलाप।
इसके बाद किरण जी हम सुनेंगे एक बुजुर्ग अत्यंत प्रतिष्ठित आदरणीय गायक की अमर आवाज में गैर फिल्मी रचना। कुंदनलाल सहगल साहब को गुजरे हुए कुछ 79 साल हुए हैं, लेकिन आपकी आवाज आज भी सुपरिचित है। इसमें ही उनके ग्रेटनेस दिखाई देता है, बड़प्पन दिखाई देता है। सुनते हैं 1935 साल की ये रचना जो रिकॉर्ड की गई, होरी हो ब्रजराज दुलारे, कुंदनलाल सहगल जी की आवाज में। ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रजराज दुलारे होरी हो ब्रज हो ब्रजराज दुलारे अब क्यों जाए चुपे जननी जाए ओ सोमा मनवा अब क्यों जाए चुपे जननी जाए ओ सोमा कै मुख से कहो आरे जोर करे आगे हमारे ओ ब्रजराज दुलारे हो ब्रजराज दुलारे बहुत दिन अब तुम देखो साल पागनी अब तुम देखो साल पागनी विचकार नगे वारे चले बहु मुमान मन्यारे किरण जी 1952 में एक फिल्म बनी थी जाल, गुरुदत्त जी ने उसे डायरेक्ट किया और गीता बाली और देवानंद की लीड पेयर थी। फिल्म उस जमाने में बहुत चली। हिंदी फिल्म में एक मूवमेंट आई थी फिल्म नौयार करके, तो जिसमें हीरो जरा ग्रे शेड्स के दिखाई देते थे, वो एंटी हीरो की तरह काम करते थे, तो क्राइम से संबंधित वगैरह रहते थे। फिल्म तो बहुत चली, एसडी बर्मन साहब का संगीत था और साहिर रुद्रानी जी के गाने थे। यह गाना आज तक मेरे कानों में गूंजता है, हेमंत कुमार जी की आवाज़, जिसके बारे में सलीलदा ने यह कहा है, इफ गॉड हैड अ वॉइस इट वुड बी हेमंत कुमार्स। तो इनकी आवाज़ में गाना सुनते, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दासता, काफी पर आधारित यह बहुत सुमधुर गाना है। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्ता। ये रात
रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, पेड़ों की शाखों पे तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक लौट जाएगी रात ये बाहर की फिर कभी न आएगी, दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। लहरों के होंठों पे धीमा धीमा राग है, लहरों के होंठों पे भीगी हवाओं में ठंडी ठंडी आग है, इस हसीन आग में तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की जुबान, सुन जा दिल की दास्तां। जाती बहारें हैं उठती जवानियां, जाती बहारें हैं तारों की छाँवों में कहने कहानियां, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के, एक बार चल दिए घर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के, आ जा अभी जिंदगी है जवान, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। सन 1955 में देवानंद जी और नलिनी जयवंत के साथ एक फिल्म बनी थी मुनीम जी। शशाधर मुखर्जी जो फिल्मिस्तान के ओनर थे उन्होंने वो प्रोड्यूस करी और सुबोध मुखर्जी ने उसे डायरेक्ट किया। मेरे क्लासमेट के पिता रंजन बोस ने इस मूवी की कहानी लिखी और बर्मंदा और साहिर लुधियानवी तथा शैलेंद्र जी ने संगीत और गीतों से फिल्म को जचा दिया। इस फिल्म को बहुत शोहरत और यश मिला। यह गाना शैलेंद्र जी ने लिखा है और लता दीदी ने यह गाना गाया है। नलिनी जयवंत पर पिक्चराइज किया गया है। जंगल में नलिनी जयवंत घूमने निकलती है, उसमें उन्हें बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं और गाने के बोल भी सुंदर है। घायल हिरनिया मैं बन बन डोलू,
अगला गाना किरण जी सन 1955 में ही बनी फिल्म आजाद से है। इसमें दिलीप कुमार और मीरा कुमारी की लीड पर थी। यह फिल्म हिंदी में श्री रामुलु नायडू नाम के दक्षिण के बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने अपनी मलाइका कालन नाम की तमिल फिल्म से इसे हिंदी में रूपांतरित किया। उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और दिलीप कुमार को उनके करियर का दूसरा फिल्म फेयर देने वाली ये मूवी है। फिल्म में ऐसा कुछ हुआ कि नायडू साहब सबसे पहले पहुंचे नौशाद साहब के पास। उनका प्रस्ताव तो नौशाद साहब ने मान लिया, लेकिन नायडू साहब ने एक शर्त डाली कि 10 गाने फिल्म में बनाने और एक महीने के अंदर अंदर बनने चाहिए। साउथ की फिल्में जरा टाइट शेड्यूल पर बनती थी और बहुत टाइम टू टाइम बना करती थी। बम्बई में कलकत्ता में होते हुए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का पंक्चुअलिटी से कोई संबंध नहीं था। इस पर नौशाद साहब बहुत नाराज हुए। उन्होंने नायडू साहब के गाली गलौच ही कर दी समझिए, उनका अपमान किया और कहा कि नायडू साहब ये कोई बनिए की दुकान थोड़ी है जो आप जब चाहो सामान मिल जाएगा, एक महीने में तो मैं एक भी नहीं बना सकूंगा। तो नायडू साहब दुखी होकर के बिचारे पहुंचे श्री रामचंद्र के पास। श्री रामचंद्र ने 15 दिनों में सारे के सारे 10 गाने राजेंद्र कृष्ण को लेकर के गाने बनाए, उसकी टीम बनाए, रिकॉर्ड भी कर दिए। सुनते हैं लता दीदी के और उषा जी के युगल स्वरों में एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत फिल्माया गया है साई सुब्बलक्ष्मी नाम की डांसिंग पेयर पर। गाना भी बहुत मशहूर है, अपलम चपलम।
1959 में एक फिल्म बनी चाचा जिंदाबाद। किशोर कुमार और अनिता गुहा की जोड़ी थी, कुछ अलग जोड़ी थी। मदन मोहन जी का संगीत था और राजेंद्र कृष्ण जी के बोल हैं। इस फिल्म में एक गाना दूसरा था जो लता दीदी ने गाने से मना कर दिया क्योंकि वो रंबा सांबा डांसिंग स्टाइल पर था। उनके ना मानने पर फिर आखिरकार इस गाने को आशाताई को दिया गया और फिल्म में आशाताई ने इसे गाया। नजरें उठाकर देख ले सुनने लायक गाना है, लेकिन अभी जो गाना मैं पेश कर रहा हूँ लता दीदी ने गाया है और काफी राग पर आधारित है। बहुत खूबसूरत गाना है, आज भी लोगों को याद है। बैर न नींद न आए सन 1959 में यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित उनकी जिंदगी की पहली फिल्म बनी धूल का फूल। राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा, अशोक कुमार और नंदा की प्रमुख भूमिकाएं थी। एन दत्ता ने संगीत दिया, साहिर ने उनके गीत लिखे हैं।
दोनों की जोड़ी ने समझो जादू ही कर दिया। सुनिए सुधा मल्होत्रा जी की आवाज में कासे कहो मन की बात, काफी पर आधारित गाना। में बिमल रॉय ने एक सामाजिक कुप्रथा छुआछूत पर एक अच्छी फिल्म बनाई, आज तक यादगार है, सुजाता नाम है। नूतन की उनकी जिंदगी की सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में यह एक फिल्म निश्चित ही शामिल है। साथ में उनके हैं तरुण बोस, शशिकला और सुलोचना जी। एस डी बर्मन जी का संगीत है और मजरू के बोल हैं। कान फिल्म में इसे पाम द ऑर के लिए नॉमिनेट किया गया और
प्राइज लेते लेते बच गई। उस साल के चार बड़े फिल्म फेयर बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट स्टोरी और बेस्ट एक्ट्रेस इसी मूवी को मिले। सुनते हैं सुजाता का ये तलत महमूद जी का गाया हुआ अमर गाना, जलते हैं जिसके लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका, दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका चल न सका, आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं, दिल में रख लेना इसे हाथों से ये छूटे न कहीं, गीत नाजुक है मेरा शीशे से भी टूटे न कहीं, गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले, गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। सन 1960 में विजय आनंद ने नवकेतन फिल्म्स के लिए एक फिल्म को निर्देशित किया। फिल्म का नाम था काला बाजार। यह एक अनूठी फिल्म है क्योंकि तीनों चेतन आनंद, देव आनंद और विजय आनंद एक साथ पर्दे पर दिखाई देते हैं। इस फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान की लीड पेयर थी और नंदा देव आनंद की बहन के रूप में दिखाई देती है। मदर इंडिया की फिल्म प्रीमियर का एक्चुअल फुटेज इसमें इस्तेमाल किया गया है। सचिन देव बर्मनदा का म्यूजिक है और शैलेंद्र जी ने बहुत ही सुंदर गाने बनाए हैं। इसमें से एक सुनते हैं आशा तय की आवाज़ में, काफी पर आधारित गाना है, सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे।
सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। सच हुए सपने तेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे, बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए। बेकल मन का धीरज लेकर मेरे साजन आए। जैसे कोई सुबह का भूला सांझ को घर आ जाए। प्रीत ने रंग बिखेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे, पायल चम चम बोले बोले सांस तराना। मन की पायल चम चम बोले बोले सांस तराना। धीरे धीरे सीख लिया अखियों ने मुस्काना। हो गए दूर अंधेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक। सच हुए सपने तेरे, जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया। जिस उलझन ने दिल उलझा के सारी रात जगाया। बनी है वो प्रीत की माला, मन का मीत मिलाया। जगमग सांझ सवेरे, झूम ले ओ मन मेरे। चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक चच, चिक 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 चक। सन 1963 में बरमंदा के संगीत में जो रफी साहब ने गाने गाए हैं उसमें से सबसे अच्छे गानों में ये गाना है। शैलेंद्र जी की शब्द रचना है, फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें। आर के राखन ने इस फिल्म को निर्देशित किया और बिमल रॉय ने स्वयं एडिटिंग किया है। अशोक कुमार के उनकी जिंदगी के सबसे अच्छी भूमिकाओं में एक भूमिका इस मूवी में है, मेरी सूरत तेरी आंखें। यह गाना दो वर्जन में सुनाई देता है, एक रफी का सोलो है और दूसरा लता और रफी का ड्यूएट है। सुनते हैं लता और रफी साहब के युगल स्वरों में यह गाना, तेरे बिन सुने नैन हमारे। हमारे तेरे बिन सुने
जो आए ढल जाए प्यासी रात जो आए ढल जाए प्यासी दिन का है दूजा नाम उदासी निंदिया ना आए निंदिया ना आए अब मेरे द्वारे तेरे बिन सुन नयन हमारे तेरे बिन सुन से पराया जग में रहा मैं जग से पराया साया भी मेरा मेरे पास ना हंसने के दिन भी हंसने के दिन भी गुजारे तेरे बिन सुने नयन हमारे ये तेरे बिन सुने बाट तकत गए साँझ सका रे है तेरे बिन सुने पंडित रविशंकर ने हिंदी फिल्मों में बहुत कम मूवीज में संगीत दिया। उसमें से एक 1963 में मुंशी प्रेमचंद जी की बहुत मशहूर कहानी पर आधारित एक फिल्म बनी थी गोदान। राजकुमार की इसमें प्रमुख भूमिका है। कामिनी कौशल उनकी पत्नी के रूप में दिखाई देते हैं। महमूद उनके बेटे हैं। त्रिलोक जेटली की जिंदगी में बनाई हुई निर्देशित की गई ये एकमेव फिल्म है। बहुचर्चित है। गाने बहुत मशहूर है। मूवी भी बहुत अच्छी है। यह गाना जो अभी मैं सुना रहा हूँ वह महमूद पर फिल्माया गया है। मिट्टी से जुड़ा हुआ है। गांव की खुशबू है। गाने के बोल हैं होरी खेलत नंदलाल।
गाना लिखा है अनजान ने और गाया है रफी साहब और साथियों ने। होली पर आधारित ये गाना है। आपको दिखाई देता है कि लोग भांग बना रहे हैं, भांग की ठंडाई बनाते हुए गाना गाते हैं। होली खेलत है नंदलाल। होली खेलत नंदलाल भीरज में, होली खेलत नंदलाल ग्वाल बाल संग रास रचाए, ग्वाल बाल संग रास रचाए, नटखट नंद गोपाल भीरज में, होली खेलत नंदलाल भीरज में, होली खेलत नंदलाल। बाजत ढोलक झांझ मजीरा, बाजत ढोलक झांझ मजीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, गावत सब मिल आज कबीरा, नाचक दे दे ताल बीरज में, कोई खेलत नंदलाल बीरज में, कोई खेलत नंदलाल। भर मारे रंग पिचकारी, भर भर मारे रंग पिचकारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी, रंग गए ब्रिज के नर नारी, उड़त अबीर गुलाल बीरज में, होली खेलत नंदलाल बीरज में, होली खेलत नंदलाल। Thank you.
किरण जी, 1967 में राज मार्ब्रोस नाम के निर्देशक ने एक फिल्म बनाई नौनिहाल। इसमें संजीव कुमार और इंद्राणी मुखर्जी की प्रमुख भूमिकाएं हैं। इस फिल्म को संगीत दिया मदन मोहन जी ने और गीत लिखे कैफी आजमी जी ने। इस फिल्म को बहुत ही शोहरत और सफलता मिली। 7 फिल्मफेयर नॉमिनेशंस मिले और 2 अवार्ड भी मिले। इस गाने के दौरान स्क्रीन पर जो फुटेज दिखाई देते हैं वो पंडित नेहरू जी की अंत्येष्टि के एक्चुअल फुटेज है। रफी साहब की दर्द भरी और दिल को छू लेने वाली आवाज में सुनिए मेरी आवाज, सुनो प्यार का राग, सुनो सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था। जुदा सबसे मेरे इश्क़ का मेरी आवाज़ सुनो
प्यार का राज सुनो मेरी आवाज सुनो। किरण जी, 1968 में एक थ्रिलर मूवी रामानंद सागर ने लिखी, डायरेक्ट की और प्रोड्यूस की। इंटरनेशनल एस्पायनेज वगैरह ये सब एंगल्स उसमें थे। फिल्म के हीरो थे धर्मेंद्र और हीरोइन थी माला सिन्हा। रवि का संगीत था और साहिर के बोल हैं। यह गाना जो सुनाने जा रहा हूँ बैरूत में फिल्माया गया है। गैरों पे करम अपनों पे सितम ए जाने वफा ए जुल्म न कर। उस साल की 1968 की ये सबसे बड़ी हिट थी। फिल्म का नाम है आंखें। तो सुनते हैं गैरों पे करम अपनों से सितम ए जाने वफा ये जुल्म न कर।
से कहीं मर जाए न हम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, गैरों पे कदम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, रहने दे अभी थोड़ा सा भरम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर। 1971 और 72 में मीना कुमारी की आखिरी दिनों में दो फिल्में रिलीज हुई, एक थी मेरे अपने और दूसरी थी पाकीजा। कमाल अमरोही की ड्रीम प्रोजेक्ट थी पाकीजा, जो मीना जी की सेहत और उनके आपसी रिश्तों में दरारों की वजह से पाकीजा को शूट होने में 15 साल 16 सालों तक समय लगा। गुलाम मोहम्मद जी का संगीत था और मजरू के बहुत सुंदर गीत हैं। उस साल में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली ये फिल्म रही। फिल्मफेयर अवार्ड्स में इसे बहुत सारे फिल्मफेयर अवार्ड के नॉमिनेशन मिले। उस साल फिल्मफेयर अवार्ड का बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था प्राण जी को। प्राण साहब बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने पाकीजा के बजाय बेईमान को संगीत का अवार्ड देने के लिए, शंकर जयकिशन को अवार्ड देने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये फिल्म संगीत का अपमान है करार देते हुए अपना फिल्मफेयर लौटा दिया। आजकल ऐसा एथिक्स और मॉरलिटी है कहाँ। इसी तरह मीना कुमारी के बजाय हेमा मालिनी को उनके जीवन का एकमात्र फिल्मफेयर अवार्ड सीता और गीता के लिए दिया गया। सुनते हैं पाकीजा का लता दीदी की आवाज में एक गाना, ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे। अभी एक मजे की बात यह भी है कि मीना जी इतनी अच्छी नाच नहीं सकती थी, तो इस फिल्म में नाचने के जो क्लोजअप शॉट्स हैं वो सारे पद्मा खन्ना पर फिल्माए गए हैं, जो अच्छी डांसर थी। सुनते हैं ठाड़े रहियो ओ बाके यार रे। आज की रात वो आए
किरण जी, आप सुनते हैं जगजीत सिंह, जो मेरे सबसे प्यारे भारतीय गजल सिंगर हैं। उनकी आवाज़ में शहीद रही की एक गजल मशहूर है, अमर है, काफी राग पर आधारित है। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं। गाहे गाहे इसे पढ़ा कीजे, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। जाने किस किस की मौत आई है, जाने किस किस की, किस किस की, किस किस की, किस किस की, जाने किस किस की मौत आई है, मौत आई है, जाने किस किस मौत आई है। आज रुख पे कोई नकाब नहीं, रुख पे कोई नकाब नहीं, ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं। असली गजल शेर है, वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, धनी रे सारे मधनी सधनी पगा
वो करम उंगलियों पे गिनते हैं, जुल्म का जिनके कुछ हिसाब नहीं, जुल्म का जिनके कुछ हिसाब नहीं। ऐसी तन्हाई का जवाब नहीं, तुम नहीं गम नहीं शराब नहीं। मेहंदी हसन साहब के आवाज़ में हम जिंदगी भर फिल्मी गाने जो पाकिस्तानी फिल्मों में सुनाए गए और गज़लें सुनते आए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे घराने में जन्म लिया जो ख़ानदानी गायक हुआ करते थे। इनफैक्ट मेहंदी हसन साहब उस घराने में गायकों की पूरी जो कड़ी चलती आ रही उसमें 16वीं पीढ़ी थे जो गायक थे। सुनते हैं उन्हीं के आवाज़ में एक ठुमरी काफ़ी राग में, बहुत ही अच्छी गाई है, सुनने के लायक है। दुख वे लिया दुख सुनिया
कति दुख दुख पल रे दुख सुख पल रे किरण जी, गुलाम मुस्तफा खां साहब की आवाज में मुझे बड़े गुलाम अली साहब का अक्स दिखता है। उनके ये आवाज जैसा दर्द और मिठास दोनों सुनाई देते हैं। मैं उनके गाने का बड़ा फैन हूँ। सुनते हैं गुलाम मुस्तफा खां साहब की मीठी आवाज में एक काफी ठुमरी, खेलत नंद कुमार, बड़ी प्यारी ठुमरी है, सुनिए जरूर। खेलत नंद कुमार कुमार रे, खेलत नंद कुमार ओ रे, खेलत नंद कुमार ओ रे, खेलत नंद कुमार नंद कुमार रे, खेलत नंद कुमार कुमार खेलत नंद कुमार 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 नंद नंद कुमार खेलत नंद कुमार ओ खेलत नंद कुमार
कुमार रे कुमार 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 रे
किरण जी, ठुमरी की बात हो और ठुमरियों की और गज़लों की मल्लिका, उनका नाम ना लिया जाए जो सच में अदब से खड़े रह के कान को छूते हुए लेना चाहिए। बेगम अख्तर साहिबा, उनका नाम तो इस क्षेत्र में, उनका कार्य इस क्षेत्र में सबसे बड़ा है। सुनते हैं बेगम अख्तर साहिबा की आवाज़ में ये ठुमरी, जब से श्याम सिधारे, अमर ठुमरी है। Thank you.
किरण जी, काफ़ी के कार्यक्रम में हमने बहुत सी फिल्मी और गैर फिल्मी रचनाएं सुनी। राग काफ़ी की, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, और उपशास्त्रीय रचनाओं के लिए बहुत उपयुक्त है। सुनिए एक भजन मेरे सबसे प्रिय गायक पंडित जसराज जी की आवाज़ में। मेरा बड़ा सौभाग्य जीवन का कि पंडित जी के साथ व्यक्तिशः मुलाकात हो पाई है, उनसे कुछ बातें हो पाई है, उनके चरण स्पर्श में कर चुका हूँ। क्या कहूँ उनके गायकी के बारे में, मेरे तो शब्द कम पड़ गए। उनके आवाज में सुनते हैं ये भजन, कहाँ करूँ मैं रूठे जाए। काफी में गाया है, बहुत खूबसूरत है। कहाँ करूँ
जाए कहा करो उठे जार जहाँ नहीं नाग जहाँ नहीं जशोदा जहाँ न गोपी वालन गाए कहा करो बैठ जाए जहाँ न गोपी ग्वालन गाए 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 कहा करो उठे जाए कहा जहाँ जल जमुना को निरुमल जान जल जमुना को निरुमल जान जल जमुना जान जल जमू कदम्ब की छाए कहा करो उठ जाए कुंभन दास प्रभु
चातुर ग्वालिनी को जू मेरी जाए बलाए ब्रज रज तजू मेरी जाए बलाए कहा करो जाए किरण जी, देखते देखते इतना समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देखिए, बातों बातों में और संगीत की शेयर करते करते हाथों में से फिसलती वाली रेत जैसे समय निकल गया। फिर किसी दिन जरूर मिलेंगे किसी और राग और उस पर आधारित रचनाओं के साथ। अलविदा कहते समय समापन के रूप में, कार्यक्रम को खत्म करने के रूप में मैं पेश कर रहा हूँ भारत रत्न स्वर भास्कर पंडित भीमसेन जोशी जी की अमर आवाज में एक काफी ठुमरी, पिया तो मानत नाही। पिया तो मानत नाही, कौन गुनन से मना मना कौन
दुलन से मना निठुर अंजान भरो न सो निठुर अंजान भरो ऐसो निठुर अंजान भरो निठुर भिठुर Yeah.
इतना डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ कुछ पल बिताए, हमें इतना सुंदर संगीत सुनवाया, इतनी अच्छी बातें बताई। मैं रेडियो नोएडा की तरफ से, अपने श्रोताओं की तरफ से और मैं स्वयं आपको अपना आभार प्रकट करती हूँ, इसी उम्मीद में कि अगले हफ्ते आप हमारे साथ फिर जुड़ेंगे एक नया राग कुछ नए गाने लेकर। धन्यवाद। Hundred 7.1 Radio Nida.